दोस्तों लगभग हर गांव में अगर 100 परिवार रहता है, मतलब 100 घर हैं, तो उसमें 50 लोगों को नई लिस्ट जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिनमें सभी ग्रामीण की जो आवास लिस्ट है, इसमें सबको 1,20,000 तीन किस्तों में दिए जा रहे हैं। और ये नई लिस्ट आई है, इसमें ज़्यादा लोगों को नाम को जोड़ा गया है। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ, अप्रैल मई के 2022 की जो नई लिस्ट है उसमें कितने लोगों को एक गांव में नाम जुड़ा है, मैं आपको भी दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आप भी देखना चाहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। इस वीडियो को एक बार आप जरूर पूरा देख लें, उसके बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करके सभी के साथ साझा करें, मुझे बताएँ, सबको बताएँ। कमेंट में आपको कमेंट करना है आप रहने वाले कहाँ के हैं। अब दोस्तों आपको लिस्ट में अगर नाम देखना है तो आपको बस क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, गूगल में यहाँ पर एक वेबसाइट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वेबसाइट के माध्यम से आप पीएम किसान सॉरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो आपको टेक्नो राशि आवास जब आप इस तरीके से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला लिंक, दूसरा वाला प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में नाम देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दिया गया, पूरा यहाँ पर डिटेल आपको बताया गया कैसे क्या क्या करना है, लिस्ट कैसे देखना है, आवेदन कैसे करना है, हर एक चीज़। तो हमें लिस्ट में नाम देखना है तो लिस्ट में नाम देखने के लिए अगर थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं यहाँ पे, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना पोर्टल, आपको इस पर क्लिक करके सीधा डायरेक्ट इस पेज पर आना, मैंने पहले से खोल रखा है पेज। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आवास सॉफ्ट का ऑप्शन लिखा है, यहाँ रिपोर्ट का क्लिक कर देना है, उसके बाद नीचे जाना है, उसके बाद यहाँ बेनिफिशियरी डिटेल फॉर वेरीफिकेशन इस पर क्लिक करना है, उसके बाद बस आपको अपनी पूरी डिटेल डाल देनी है, जिला राज्य ये सब सारी चीज़ें, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, ये सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से भर देनी है। यहाँ पर मैं सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपना जो गांव पता है वो डाल दीजिएगा। डालने के बाद देखिए यहाँ पे 21-22 की लिस्ट देखना चाह देख हमको 22 का देखना है तो ये 22 की होगी, ठीक है, 21-22। और उसके बाद हमको ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये सारा डिटेल मैंने अपने हिसाब से डाल दिया, अब यहाँ पर 54 हो जाएगा, 40+14=54। अब हम सबमिट कर देते हैं, अब यहाँ पर जैसे सबमिट करेंगे लिस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यहाँ पर देख लीजिएगा अभी लिस्ट ओपन हो जाएगी। नीचे अगर आते हैं तो देखिए लिस्ट आ चुकी है यहाँ पे, अब इसमें नहीं पता चला किसको कितना पैसा मिला और कब मिला है। तो आपको करना क्या है, इस लिस्ट को आप पहले PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिएगा, इस तरीके से जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। आप इस लिस्ट को यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी प्रिंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल नई लिस्ट है कि नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए अमाउंट रिलीज जो है 1,20,000 रुपये, लास्ट अमाउंट जो है 13 अप्रैल 2022 को, और यहाँ इंस्पेक्शन डेट 1 अप्रैल 2022 को हुआ। बिल्कुल ये नई लिस्ट है दोस्तों, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री आवास योजना की लाइव बिल्कुल नई लिस्ट है। तो इस प्रकार से आप नई लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, धन्यवाद।